नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का हमारा वीडियो है सिंक मिक्सर से रिलेटेड। जो सिंगल लीवर सिंक मिक्सर आते हैं उसमें दो नल है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा नल बढ़िया रहेगा आपके किचन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और आगे ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं, जो सिंगल लीवर सिंक मिक्सर है वो विद स्विंगिंग स्पाउट के साथ में मिलेगा आपको, जो कि नॉर्मल है। और जो दूसरा है वो है सिंगल लीवर सिंक मिक्सर टेबल माउंटेड है, वो आपको लॉन्ग पाइप हैंड शावर के साथ में मिलेगा, वो भी डबल फ्लो के साथ में, जिसमें हैंड शावर लगा रहता है उसमें आपको डबल फ्लो मिलेगा, यानी एक शावर टाइप का मिलेगा और एक नल की तरह आपको उसमें फ्लो मिलेगा। बात करते हैं इसके MRP की, तो जो सिंगल नॉर्मल वाला सिंगल लीवर सिंक मिक्सर है इसकी है 3,700 रुपये, और जो दूसरा नल है इसकी MRP है 5,650, जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है। ये वाला नल की MRP है 5,650। इन दोनों में काफ़ी रेट में काफ़ी फ़र्क है। आगे बात करते हैं तो लुक में और बेस्ट फ्लो, जो यानी आपका लुक बढ़िया लगता है वो नॉर्मल वाले नल का लगता है, जिसकी हमारे पे 3,700 रुपये हैं। और यह इसमें आप बिना प्रेशर के पंप के भी इसमें काफ़ी बढ़िया प्रेशर पानी का मिल जाएगा। लेकिन यही अगर अपन दूसरे बात करें नल की, जो हैंड शावर वाला है उसमें आपको प्रेशर पंप लगाने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि इसमें बिना प्रेशर पंप के पानी का फ्लो आपको बहुत ही कम मिलेगा। क्योंकि इसमें जो हैंड शावर की पाइप आती है इसमें क्या है कि वो बिल्कुल ब्लैक कलर की पाइप आती है, अगर उसमें कहीं से भी थोड़ा सा बेंड हो गया तो वो प्रेशर को कम कर देता है, इसलिए इसमें प्रेशर की ज़रूरत रहेगी आपको। अगर आपको सबसे बढ़िया प्रेशर चाहिए, प्रेशर पंप लगा हुआ है, तो आप ये वाला नल परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप नॉर्मल वाला नल परचेज कर सकते हैं, जो 3,700 रुपये वाला है सिंगल लीवर सिंक मिक्सर विथ स्विंगिंग स्पॉट वाला। आगे अपन बात करते हैं जो नॉर्मल नल है इसकी, आप जाली खुद साफ़ कर सकते हैं, यानी इसके लिए आपको कहीं से कोई बुलाने की ज़रूरत नहीं है या कोई टूल की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन जो अपन हैंड शावर वाले नल की बात करते हैं तो इसमें आप बिना टूल के जाली साफ़ नहीं कर सकते, या तो आपको टेक्नीशियन को बुलाना पड़ेगा, या अगर आपके पास प्लास वगैरह है उससे आपको जाली खोल के फिर साफ़ करनी पड़ेगी। अगर आपने खोल ली तो वापस लगाने में भी समस्या आएगी, क्योंकि इसके थोड़ी सी टेक्निकल जाली है तो उसमें समस्या आ सकती है। और रही नॉर्मल वाले नल की बात, तो इसमें क्या है कि आपको कुछ भी टूटने फूटने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें प्योर ब्रास की बॉडी आती है, स्पॉट भी ब्रास का आता है, बाकी बॉडी ब्रास की आती है, यानी पूरा मजबूत नल है। और रही दूसरे जो हैंड शावर वाला नल है, इसमें क्या है कि जो हैंड शावर है वो ब्रास का नहीं आता है, तो उसमें डैमेज होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर डैमेज हो जाता है तो वारंटी कवर नहीं करता है, इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर बात करें नॉर्मल नल की, तो इसमें क्या आपको लीकेज का इशू बहुत कम मिलेगा, जहाँ तक भी हमने देखा है 5 या 10 सालों तक कोई भी लीकेज का इशू नहीं आया है। और रही दूसरी बात, जो शावर वाला नल है डबल शावर वाला नल, उसमें क्या लीकेज का इशू बहुत ही बार बार देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसमें नीचे जो हैंड शावर का कनेक्शन पाइप होता है वो पूरी तरह से टूल लग के टाइट नहीं होता है, वो हाथ से टाइट करना पड़ता है, या अगर वहाँ पे स्पेस कम होता है तो वहाँ पे अपन और पे टूल लगा नहीं सकते हैं, इसलिए अगर वो कहीं भी अगर आपने थोड़ा हिला डुला दिया, अगर वो यूज हो गया नल तो वहाँ से लीकेज चालू हो जाता है, इसलिए इसमें लीकेज की ज़्यादा समस्या है। बाकी अगर अपन दोनों नलों को देखें तो इसमें लुक तो दोनों का ही बढ़िया है, बट जो शावर वाला नल है इसमें थोड़ी सी समस्या ज़्यादा है। बाकी आप डीलर से बात कर सकते हैं, वही आपको सबसे अच्छी राय देगा। धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।